हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, आज है 5 अप्रैल 2019। इस वक्त जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो खबर आ रही है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे में लाइक वाले बटन को दबाकर लाइक कर दें और बगल में लाल कलर वाला बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज जो 5 अप्रैल 2019 7:16 पर जो न्यूज़ 18 है, जो कि हिंदुस्तान का सम्मानित न्यूज़ है, इसके जो न्यूज़ जो प्रकाशित हुआ है उसको मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूज़ 18 ने खुलासा किया है कि बिहार बोर्ड 10 रिजल्ट 2019 डिक्लेयर मैट्रिक रिजल्ट 2 अप्रैल 15@bsab.bihar.gov.in। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूज़ 18 ने यह खुलासा किया है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है 15 अप्रैल से पहले पहले आने का संभावना है, और आप इसको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट bsab.gov.in पर आप देख सकते हैं। यानी कि और भी बहुत सारा जो न्यूज़ इस वक्त छन का आ रहा है वो ये है कि बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है मैट्रिक का, वो दूसरे सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित होगा। आप इसका जो और भी न्यूज़ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूज़ 18 का मैं ऑफिशियल साइट खोला हुआ हूँ और यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 रिजल्ट 2019 द बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 बीएसएबी इज एक्सपर्ट टू रिलीज द बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2019 बाई अप्रैल 15, यानी 15 अप्रैल से पहले पहले आपकी रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था जो इस वक्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे साथियों ने हमें कमेंट करते हैं कि आप अपडेट कराते हैं, और कुछ लोग कमेंट में कुछ गलत भी लिखते हैं कि आप फालतू का न्यूज़ क्यों डाल रहे हैं। दोस्तों, ये फालतू न्यूज़ नहीं है, इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके दिल में बहुत बेचैनी है, बहुत बेसब्री है। मैं जानता हूँ कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसके दिल में कितनी बेचैनी और कितनी बेसब्री से उसको रिजल्ट का इंतज़ार है। और जो लोग गलत कमेंट करते हैं उसके लिए ये शेर में कहना चाहते हूँ कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुद खशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुद खशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। दोस्तों, और एक नोट आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि इंटर में आपको इंटर से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए जिसमें आप इंटर में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं वो वीडियो तैयार है, बस आप लोगों की इजाज़त जैसे ही होगी मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगा कि इंटर में कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है और कितने नंबर का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और कौन सा विषय आप चुनेंगे, तो आगे चल के आपको ग्रेजुएशन में फ़ायदा होगा। यदि जनरल एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आपको कौन सा विषय चुनना होगा, कौन सा सब्जेक्ट रखना होगा, ये सारी जो आपकी जो भी कंफ्यूज है, आमतौर पर जो लोग मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसको ये पता नहीं होता है और बहुत सारी दुश्वारियाँ होती है। यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और आपको मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल से पहले पहले आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऊपर वाले से यही कामना है कि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा